नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मिले टीबी के 12 गंभीर मरीज विश्वेल समझकर करा रहे थे झाड़फूंक। टीबी रोगियों को चिन्हित करने और उन्हें इलाज के दौरान भोजन और पोषण सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत मरीजों को प्रत्येक माह 500 रुपए के हिसाब से भुगतान बैंक खाते में किया जाता है। निजी डॉक्टरों को भी टीबी मरीजों की जानकारी CMHO और जिला क्षय रोग अधिकारी को देनी है। निक्षय पोर्टल पर भी मरीज का विवरण देना है। टीबी रोग चिन्हित करने पर 500 रुपए और इलाज पूरा करने पर 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। मंगलवार को आदिवासी बाहुल्य ग्राम वीरपुर एवं बूढ़ी बरूद में शक्तिशाली महिला संगठन एवं जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित टीबी जागरूकता एवं टीबी की जांच शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक रवि गोयल ने बताया कि गर्भवती माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं कुपोषित बच्चों में टीबी की जांच की, जिसमें कि अकेले बूढ़ी बरोद में 9 टीबी के गंभीर मरीज एवं आदिवासी बाहुल्य ग्राम वीरपुर में 3 गंभीर मरीज चिन्हित किए हैं, जिनको डॉक्टर व्यास ने जिला टीबी अस्पताल भेजने की सलाह दी। शिवपुरी से दिलीप सेन के साथ अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीरपुर गांव में गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने किशोरी बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए कैंप लगाया था, स्वास्थ्य शिविर लगाया था। शक्तिशाली महिला संगठन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को और जो बच्चियाँ थी, किशोरी बच्चियाँ और टीबी के मरीज जिनका इलाज चल रहा था और टीबी के शंकास्पद मरीज, उनको हमने बुला के उनकी जाँच की थी और देखा था। तो गाँव में अभी भी ये मान्यता है कि झाड़फूंक कराना चाहिए, देसी दवाइयाँ कराना चाहिए, है ना। इधर उधर के जो इधर के उनके डॉक्टर उनके काम में घूमते रहते हैं, सो कॉल्ड जिनको अपन झोला छापे RMP डॉक्टर कहते हैं, उनसे इलाज करवाना पसंद करते हैं वो। बहुत सारे मरीजों को जिनको मैं आज बुला के लाया था, उनमें से केवल 2 मरीज आज आए दिखाने के। 9 मरीजों को हम देख के आए थे, उनमें से केवल 2 मरीज आए, जबकि हमने 108 एम्बुलेंस भेजी थी। तो 108 एम्बुलेंस भेजने के बावजूद, CDPO और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कहने के बावजूद मरीज नहीं आए। तो ये एक अपन कह सकते हैं कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है, इसी कारण से TB बीमारी फैल रही है। तो सबको संयुक्त रूप से इसमें मिलजुल के काम करना होगा। मिलजुल के काम करेंगे तभी हम TB को जो है अपने देश से, अपने राज्य से, अपने ज़िले से हटा पाए। नहीं, TB के मरीजों को यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता है, उनकी यहाँ पर जांच की जाती है, प्रकार की जांच की जाती है, उनका CT और उनकी खून की जांच की जाती है, उनका एक्सरे भी किया जाता है। सब जांचें फ्री में होती हैं और सरकार के द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उनको राशि भी दिया, मतलब उनको हम पैसे भी देते हैं। और अभी एक जो मरीज आया उसकी हमने तत्काल दवाई भी प्रारंभ कर दी। उसके पास उसका अकाउंट नहीं था बैंक अकाउंट, तो हमने उसकी माँ का बैंक अकाउंट लगा दिए खाते में, तो तुरंत ही उसकी निक्षय ID बन जाती है। और निक्षय ID बनने के बाद मरीज का इलाज चालू हो जाता है और इलाज फिर उसको लगातार लेना चाहिए। उसके लिए भी हम समझाई देते हैं और लगातार गांव में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संपर्क में उनको बताते हैं कि मरीज जो के संपर्क में रहें, तो रहते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि मरीज बहुत से दवाई छोड़ रहे हैं। दवाई छोड़ने से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और गाँव में मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं, छोटे बच्चे देखे हैं, जिनको कि गले में गठाने हो गई हैं। गले में गठानों के बाद उनके मवाद तक पड़ने लगता है, कीड़े तक पड़ जाते हैं, छेद हो जाते हैं गर्दन, कूवर निकल आता है पीठ में। तो सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, गांव की आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, सबको जागरूक होना पड़ेगा कि इस प्रकार के मरीजों को तत्काल अस्पताल में भेजें। मरीज स्वयं भी जागरूक हो, उसको लगे कि अगर हमें ऐसा हो रहा है तो तत्काल अस्पताल में दिखाने आए, इलाज और जाँच और सब ठीक है।